नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 9 की त्रैमासिक परीक्षाएं बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। मैं आज की इस वीडियो में जो भी आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, यहाँ से आपको 100% एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं तीन टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ, तो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर आपको तीन क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और आप जैसे आप सभी को जैसे पता ही होगा कि आपके त्रैमासिक परीक्षा के नंबर वार्षिक परीक्षा में भी जोड़े जाते हैं। इसके लिए आपको तैयारी अच्छी तरीके से करना होगा। और मैं जो भी क्वेश्चन अगर आपको बता रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा, आपके अच्छे मार्क्स गणित विषय में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2022 के लिए यहाँ पर आपके लिए तैयारी करवा रहे हैं 22 में। ठीक है, जो भी स्टूडेंट मैथ सब्जेक्ट से डरते हैं वो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है। तो दोस्तों, आपको परिमेय संख्या आपको जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ही इसके बारे में बताया गया है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है। दोस्तों, जो परिमेय संख्या अपने पी अपॉन की फॉर्म होती है उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं, यानी कि इस तरीके से। और इसमें क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यह हमारा यानी कि 1/2 है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी परिमेय संख्या होती है। तो हम यहाँ पर परिमेय संख्या को देखेंगे किस तरीके से हम परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, 0.57 है, तो यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से हम इसे हल करेंगे, ये आप देखना। ठीक है, ये दो अंक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम 57.100 हो जाएगा। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हमारी ये परिमेय संख्या के फॉर्म में हो गई। अब इसके बाद करते हैं जीरो। दोस्तों, जीरो हमेशा परिमेय संख्या है। ठीक है, जीरो कैसी है, जीरो एक परिमेय संख्या है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, ये भी हो गई। इसके बाद 1/2, तो हमें परिमेय संख्या ये दिखी रही है, 1/2 फॉर्म में, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, तो ये परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर करेक्ट रहेगा। तो आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या किस फॉर्म में होती है, हमेशा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आपको ज्ञात करना होगा परिमेय संख्या को। अगर इसके अलावा कोई संख्या अलग कोई चेंजेस होती है तो आप इस तरीके से ज्ञात कर लीजिएगा। अगर इस फॉर्म में कोई भी संख्या आ रही है तो वो हमारी परिमेय संख्या होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, बहुपद कौन सा यहाँ पर ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, बहुपद ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका है कि आप जिन घातों पर जो चर राशि हैं उनका उनकी जो घात है वो धनात्मक होना चाहिए। चलिए यहाँ से आप देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर √2x-1 है, तो ये हमारी बहुपद नहीं है। ठीक है, और इस तरीके इसे देखेंगे x-1 x+2, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारी कैसी बहुपद नहीं है। और x²+3, ये x है, ये भी धनात्मक है। इस तरीके से यह कह रहा है ये हमारी बहुपद रहेगा। यहाँ पर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर x²+k 1/y+2z, तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया यह सवाल है, क्या ये बहुपद है या फिर नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर x² तो इस तरीके से रहेगी, लेकिन ये ऊपर जाएगी तो माइनस के y1 हो जाएगी +2z, तो ये क्या हमारा ये बहुपद नहीं है हमारा। ठीक है, ये क्योंकि ये ऊपर माइनस में जा रहा है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा बहुपद और किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच से है। तो हमें ज्ञात करना है 1 और 2 के बीच में हमारी कौन सी संख्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका इसमें भाग देना होगा, यानी कि 1 में हम नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली संख्या में देते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, 1 का भाग हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव करेंगे। ठीक है, -0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये हो गया हमारा 10। ठीक है, 3 दिया 9, 1 बचेगा। ठीक है, फिर वो ही रिपीट चलते जाएंगे, यानी कि 0.3 इसका आ रहा होगा। ठीक है, 0.3 इस तरीके इसका करेंगे तो 0.2 आया। ठीक है,
इसका इसी तरीके से इसका करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको समझ में ना आ रहा हो। तीन में चार का भाग देना है तो तीन एक कम तीन, ठीक है, और ये कितना आएगा हमारा एक। इसके बाद हम दशमलव बढ़ाते हैं, तीन किया नौ, इतना बचा एक। इसके बाद फिर वही संख्या रिपीट होती जाएगी, ठीक है, तो हमारा कितना एक आ रहा है एक, और हमें एक और दो के बीच में ज्ञात करना है। इसका और हम देख लेते हैं क्या कौन सी संख्या यहाँ पर मिल रही है, दो तीन छः, एक बचा। तो देखिए ये तीन आ रहा है यहाँ पर, तीन आ रहा, तो ये एक और दो के बीच में ज़्यादा दिखेगा, संख्या ज़्यादा हो जाएगी, दो से ज़्यादा हो जाएगी, और हमें क्या ज्ञात करना है एक और दो के बीच में संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये यहाँ पर क्या एक आ रहा है, ठीक है, एक हमारा करेक्ट आंसर तीन हो जाएगा, चार बटा तीन। तो चलिए और भी हम सवाल देखेंगे, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।